أعوذ من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء सदक अल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक की हर किस्म की हमदो सना, उसकी वडियाई किबरियाई, उसकी वहदानियत, जो खालक भी है, मालक भी है, राजक भी है, मुरब्बी भी है कायनात का, बेशुमार अनगिनत ला तादाद दुरूदो सलाम होन इमामुल अंबिया वारिय बतहा, इमामुल हरामैन, इमामुल किबलातैन, सैयद साकानैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते। बुजुर्गो, दोस्तों, अजीज भाइयो, इंतहाई एहतरामा दे लायक माओ, बहनों, बेटियों, 28वें पारे दी सूरत, जिस दा पहला गोशा मैं तुहाडे सामने तलावत कीता है, जिस दे अंदर अल्लाह पाक ने ईमान वालियां नू मुखातब करके कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ऐ ईमान वालियो, जेड़े अल्लाह के दुश्मन ने ते तुहाडे भी दुश्मन ने, तुसी अपने उन्हां नू दोस्त ना बनाओ। तवज्जो करिया जे, सवाल ये पैदा होंदा है कि अल्लाह पाक के दुश्मन भी कोई बंदे है ने? मैं शायद दियां काफ़ी सारी तफसीरां देखता रहा वा कि यार दुश्मनी तो पैंदी है, बंदा कोई सामने होवे, कोई गली महल च रहिंदा होवे, कोई पिंड रहिंदा है, कोई मुल्क रहिंदा है, मत्थे लगदा है, उहदे नाल कोई लैण देण होवे ते कोई इख्तलाफ हो जांदा है ते तां दुश्मनी पैंदी है। कुरान दे ये जुमले तुहाडे सामने ने कि ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। अल्लाह फरमांदे ने ईमान वालियो, मेरे भी जिहड़े दुश्मन ने ते तुहाडे भी दुश्मन ने, चलो साडे तां दुश्मन होए, अल्लाह नाल दुश्मनी भी बंदियां नूं है वे। एक तां ये बात, अल्लाह पाक मैनू इनके मुताबक कमा हकहू बयान करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हुण कुराने मजीद के अंदरों मैं कोशिश करांगा, इन्ने जोगा तो मैं नहीं कि अल्लाह दे दुश्मन है सही किते वो किस बना दे दुश्मन बने ने। अल्लाह नू वेखिया ही नहीं, उन्हें ना उस तसव्वर जांदा है, ना किसे वेख्या, ना वेखना, ना किसे नाल को मामला, ना किसे दे सामने आया कदे अल्लाह। लेकिन कुराने मजीद बड़ी आला किताब, ताई कुरान ने कहा कि युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह फरमांदे ने इसे कुरान, इसे किताब दे नू पढ़न नाल बंदे गुमराह हो जाते ने, ते इसे किताब नू जेड़े दिलो जानो मुखलस हो के
बेईमानी तो बगैर रस्ता सीधा लभण वास्ते इनू पढ़ते ने इंदे गौरव फिक्र करते ने ते ओह हदायत पा जांदा। गल नीयत ते डिपेंड करदी सारी। जिन्हां दीयां नीयतां चंगीआं हुंदीआं ने अल्लाह पाक उहनां नूं इस कुरान पढ़न नाल इहनूं सिखण नाल इहदे ते गौर करन नाल अल्लाह हदायत अता कर दिंदे ने। ते जे अंदर बेईमानी होवे ते फिर इस कुरान नूं पढ़न नाल बंदे गुमराह भी हो जांदे ने। कुरान ने कहा युज़िल्लु बिही कसीरा, बड़े गुमराह हो जांदे। गल है अपने अपने अंदर दी। तो मैं अर्ज ये कर रहा सा, तवज्जो करो तुसी, मेरे वाल दरवाजा खुल गया, कोई गल नहीं, कि कुराने मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने अपने दुश्मनी का तस्करा किया है कि मेरे ते अपने दुश्मनों के नाल जेड़ा है ना, ए ईमान वालियो तुसी दोस्ती ना रखो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे दुश्मन बने कदों ने, किवें बने ने, ऐ फिर कुरान चो लभगी। ढिले ना पवो जरा मेरे नाल रहा जे। ऐ कुरान चो लभना है कि अल्लाह नाल दुश्मनी पई किवें वे, उंदी वजह की बनी है कि अल्लाह दे दुश्मन लोग बन गए ने। ए जदों कुरान नाजिल होया ना, अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सारे कवो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते ग्रामी ते, तो उस वक्त बल्कि उस तो पहले थोड़ा जा देख लो, नबी पाक दे बचपन तो लैके मैनू तो इन्ना ज़्यादा नहीं इलम हैगा, किसे वड़े आलमे दीन नूं फोन करके पूछ लिया जे कि नबी पाक की वलादत तो लैके 40 साल तक एक बंदा पूरे अरब च दसो जिहड़ा अल्लाह दे रसूल नाल कोई इख्तलाफ करन वाला जमया होवे, एक भी नहीं सी। जदों 40 साल तो बाद अल्लाह ने जदों नबूवत अता की ते कुरान नाजल होना शुरू हो गया, जदों उतरिया ना कुरान, तो फिर जिंदे जिंदे मफाद ते सट पैंदी गई है वो ही दुश्मन बनता गया है। जे वजह जिन्हों जिन्हों वो मरद से ना जिंदा इलाज कुरान करता सी, वो फिर आपस के अंदर गठजोड़ करते गए ने, जिन्ना जिन्ना ते भी कुरान जरब लगांदा सी। मसलन उदों सतेली मां नाल भी निकाह कर लेंदे सन ते अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल कर दिता, क्या खबरदार अज तो बाद ना करिया जे। अल्लाहु अकबर। शराबां दे जिहड़े आदि सन, अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल कर दिता, खबरदार, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ईमान दा दावा करने वाले हो खबरदार, शराब तुहाडे ते हराम कर दिती है, क्यों? इस वास्ते तुहाडे ते नशा हो जाएगा, ते नशे दे अंदर तो नमाज भी इंसान नहीं पढ़ सकता, किते अल्लाह दे सामने खड़ो के बोंगियां ना मारनिया शुरू कर देवे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लो कुरान नाजल होया, जिस वक्त शराबियां दियां शराबां ते जद लगी, जनाब सट वजी है, जरब लगी ते एक शराबी आंदा वेखो जी हुण नवी गल आ गई जी, इंज समझो जिवें निकम्मे बंदे नहीं, इत्थे कोई गौरमेंट कोई पाबंदी ला दे, गुड्डियां दे पाबंदी ला दे, खबरदार भाई जिहड़े बंदे ने अज तो बाद गुड्डी चढ़ाई उहदे ते पाबंदी, थोड़ी देर बाद सीटां पीवेगा उहदे ते पाबंदी, जिहड़ा शराब पीवेगा उहदे ते पाबंदी। फिर इन्हां बंदियां दा, इन्हां मुजरमां दा आपस दे अंदर साकादारी कौणी हुंदी? उस
जरैम की साकादारी एक होती, वह फिर आपस च रल जाते हैं। जेड़े मुजरम होंगे ने आपस च रल के, वह भावें झूठे भी होवन ते बह एवें भावें बर्फ वाले फटे ते बह गए ते कमीजा मोढ़िया ते लागे भी अगू जी साढ़े ते भी आप बदी लग जी, आता भा जी तुहाडे ते की लगी साढ़े ते भी लग गई जी। वो तीजा एक होर आंदा आंदा साढ़े ते भी लग गई जी, असी यह काम करते हैं सानू भी कहते हैं। वो सारे उस फटे ते बह रहन दे, सारी रात यही स्यापा बनया रह गया उत्ते। ये मुजरम बैठे ने तो थले कुत्ते बैठे होण भावें ठंडी जगह ते, ये सारी रात प्रोपोगंडा शुरू रह गया कि भैया आ साढ़े ते तो पाबंदी लग गई जी। जदों ये कुरान नाजल होया ना, उन्होंने आख्या ये चंगी गल है यार, मुहम्मद सल्लम ने साढ़े ते तो नवी पाबंदियां ला दित्तियां ने। वो अपनियां बेटियां जिंदा दफन कर देंदे सन। हाँ तुसी उलमा कोल सुने, नबी पाक कोल सहाबी आ गए बिलक बिलक के रो रो के अपना वाकया आप सुनांदा है। ऐ हालत सी उन्हां लोगों की, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल आके अर्ज करदा, अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम, हजूर मैनू मेरी बेटी दियां वो गल्लां याद आउंदियां ने जदों मैं अपने हत्थां नाल अपनी बेटी नू जिंदा दफन कीता सी दा, मैनू जदों ने आखरी नज़र नाल वेख्या सी ना, मैनू अज भी मेरियां अखां दे अगे आउंदियां नज़रां याद आउंदियां ने। अल्लाह अकबर, ए हाल है सी उन्हां लोगां दी ते कुरान नाज़िल होना शुरू हो गया। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा, इन्ना नहलु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून। अल्लाह फरमाते ने जो ये कुरान असी नाजिल किया वे ते उन्हां लोगों ने अल्लाह अकबर जिहड़े मुजरम सन, जिहड़े जरैम पेशा लोग सन, उन्होंने आख्या यार दसो ये किन्ने सानू जनाब पाबंदियां दे अंदर पा दिता है। कहिंदे ने यार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ के सुनाया वे, आंदे ने कुरान पढ़ के सुनाया वे मुहम्मद ने कि अल्लाह दी तरफों हुक्म आया वे, अल्लाह दी तरफों पैगाम आया वे। अच्छा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा फिर ये दसो फिर इन्हों कुरान किन्ने से आके वक्त दिता वे, जिमें बंदा नहीं अच्छा फिर ते इनू किन्ने लिया के दिता जिन्हें साढ़े से पाबंद, तेनू किन्ने गया सी, तेनू किन्ने दस्या सी, वो तोड़ तक बंदा पिछे जाता है अपने। ओ दसो ये कुरान लैके कौन आया वे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल? कहिंदे ने मुहम्मद करीम ने दस्या वे ये कुरान जेड़ा वे जबरीले अमीन लैके आए ने। अच्छा पूछ लेने जबरील नूं, पूछ लेने दूजा आंदा जबरील ने कुतरे मथे लगने, तू जबरील नूं पूछ लेगा? आंदे ने चलो गौर करो जबरील कुरान कितों लैके आया वे। कहिंदे ने ओ अल्लाह दा कलाम है, अल्लाह ने भेजिया वे जबरील लैके आए ने। अल्लाह भी पाके जबरीले अमीन भी पाक ने, जेड़े कुरान लैके आए ने वह भी पाक ने, जिन्हां ते कुरान अल्लाह पाक ने नाजिल कीता वे मुहम्मद करीम दी जाते ग्रामी सब तो पाके। अल्लाह अकबर, जेड़ी जबान चो निकलिया वे कुरान वो जबान सारिया जबाना दे अंदरों पाके। अगे फरमाया है जेड़ी किताब अल्लाह पाक ने नाजिल कीती है किताब सारिया किताबां तो आला ते अरफा पाक। कुराने मजीद दी आयत जरा तवज्जो ना सुनो, फरमाया मन काना तू अल्लाही व मलाइकती व रुसुली व जिब्रील। मन काना तुवल लिल्लाह,
अल्लाह का कुरान कहिंदा है, वो कहिंदे ने साडियां अल्लाह नाल भी दुश्मनियां पै गईयां ने, ये अल्लाह ने पिछों कुरान भेजिया वे अल्लाह अकबर अदू अली जबरीला, ते उन्दे भी दुश्मन बन गए जेड़े जबरील कुरान लैके आए ने, ते जिन्ना ते कुरान नाजिल कीता है ना अल्लाह अकबर। आखिरकार फिर उन्हां दी हालत बनी है, कहिंदे ने यार साडियां सारियां गल्लां खत्म करो, सानू घणियां गल्लां दा नहीं पता, ससी तां मुहम्मद दे कोलों कुरान सुनिया है ना। आ जरा तवज्जो करे जे, मैं तां बड़ा ही गौर व फिक्र करना इस बात ते, तेरे और मेरे महबूब पैगंबर दी सीरत वगरी किसे दी सीरत कोई नहीं है, हजूर दी सूरत वगरी किसे दी सूरत कोई नहीं दी है। लेकिन जदों तैफ वालियां दा हुस्ने सलूक वेखिए, हैरान शशदर मुताहिर हो जाईदा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उन्हां मक्के वालियां ये प्रोग्राम बनाया वे कि साढ़े कोल तां मुहम्मद करीम दी जाते गिरामी है ना, सारियां अल्लाह दी दुश्मनी ते अल्लाह दे अल्लाह अकबर फरिश्ते जबरील दी दुश्मनी जड़ी है नबी पाक तक पहुँच गई है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतल्लक दुश्मनियां कर रहे ने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहिंदे ने खबरदार ओए तवज्जो करो, तैयार हो जावो, सानू घणियां गल्लां दा नहीं पता, साडे तां मामलात मुहम्मद करीम ने ही खराब कीते ने ना, इन्ना ही साडे ते पाबंदियां लाइयां ने कि अल्लाह का कुरान इंज कह रहा वे। वो हुण मुखालफत शुरू हो गई है, 40 साल तक कोई मुखालफत नहीं हुई, जदों कुरान सुनाया वे, जदों कुरान ने ऐलान किया वे या अय्युहन नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह। जदों कुरान ने इस बात का ऐलान किया या अय्युहन नासु ओ लोगो ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यखलुकु ज़ुबाबा। ओ लोगो सुन लवो, अल्लाह पाक का ऐलान है, मुहम्मद की जबान है, ये अल्लाह का कलाम है। जदों ए हजूर ने ऐलान फरमाया ना, लोगो सुन लो, मिन दू निला ओ मक्के वालियो, जिन्ना वखरे वखरे अपने लात और मनात बना के रखे हुए सन, किसे दा मिट्टी दा हाजत रवा, किसे दा पत्थर दा हाजत रवा, अल्लाह अकबर, किसे दा सुका मिट्टी दा, कई गिले बना बना रखे हुए ने, कई दफा आप उनकी इबादत करन लगते ने, गिले इला दे उत्ते डिग पैंदे ने, वो रब उन्हां दा टुट जांदा वे, अल्लाह अकबर, डिंगा सीधा हो जांदा है, अल्लाह अकबर। उन्हां लोगों के अंदर जदों अल्लाह के महबूब पैगंबर ने ऐलान किया ना या अय्युहन नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकु ज़ुबाबा। लोगो पूरी कायनात दे तुहाडे इलाह ते मबूद कट्ठे हो जान, एक मक्खी बनाउण दी भी ताकत नहीं जे रखदे, ये हाजत रवा नहीं जे, नफे नुकसान दे मालक नहीं जे। जदों कुरान ने ये ऐलान किया ना, ये रब दे भी दुश्मनियाँ पै गई, जबरील नाल दुश्मनी बढ़ गई, मुहम्मद करीम तक दुश्मनी पहुँच गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। कहिंदे ने वेखो जी, इन्हां साडे सारियां इलावां ते मबूदां दी नफी कर छड्डी है, बल्कि इत्थों तक फरमाया वई यसलुबो हो मुसुबाबु शैया ला यस्तन किजो मिनहु ज़ौफ अत्तालिब वल मतलूब।
इन्हां च तां इन्नी भी ताकत नहीं जे मेरी। अल्लाह फरमांदे ने भेजी हुई मक्खी जिहड़ी है इन्हां दे अंदरों कोई इन्हां दे अगों जनाब जनाब कोई शह उठा के लै जावे सही आ इसम नगरा आखे एक जर्रा कोई गल उठा के लै जावे सारी दुनिया के तुहाडे इलाज ते मबूद अल्लाह तो इलावा पूरी कायनात भी मिल जावे उस मक्खी दे पंजे दे अंदरों पकड़ी हुई चीज नू छुड़ाउण दी भी ताकत नहीं रख ते ना इत्थे काम आने जे ना ये क़यामत नू काम आने जे जदों कुरान ने आण के ऐलान किया इज़्ज़त बर्रा लज़ीना तुबियो मिन अल्लज़ीना तबाउ वरा वलाज़ाबा वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। जदों कुरान ने ऐलान किया इज़्ज़त बर्रा लज़ीना तुबियो मिन अल्लज़ीना तबाउ वरा वलाज़ाबा वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। अल्लाह फरमाते ने जदों इन्हां दी हालत उदो क़यामत वाले दिन बनेगी हशर दे मैदान दे अंदर जदों जनाब तुहाडे हाजत रवा नफे नुकसान दे मालक जिन्हां नूं समझदे हो वरा अल्लाह दे अज़ाब नू वेखणगे ते वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब ते सारे रिश्ते तोड़ जाणगे ए तुहानू जवाब दे देणगे ए बिल्कुल माजरत करन लग जाणगे क़यामत वाले दिन भी कम नहीं आना ते दुनिया ते भी एक मक्खी दे पंजे जो भी चीज नहीं छड़ा सकते ते क़यामत नू भी हशर दे दिहाड़े हशर दे दिहाड़े जद तोपने सताना हशर दे दिहाड़े जद तोपने सताना कोई पीर तेरा उथे नजरी नहीं आना ते दरबान जन्नत दा ऐ कुंडा नहीं लाना जब तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना मुहम्मद नू छड़िया गुजारा नहीं होना। और फिरन पीर जागते फिरन पीर जागते जो बरसाती डडिया ओए दावे हजारां ते पगां ने वड़ियां पर रोड़ा नू कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमांदे ने ओ कायनात दे लोगो ऐ मेरे महबूब पैगंबर जदों तुहानू कुरान सुनांदे ने वैदा कुरियल कुरान फस्तमियू लहू दुश्मनियां करन दी बजाए मुहम्मद दी मुखालफत करन दी बजाए वैदा कुरियल कुरान फस्तमियू लहू वानसितु लअल्लकुम तुरहमून। तुसी तवज्जो नाल कुरान सुनिया करो तुसी कुरान कलाम मेरा सुनोगे मैं तुहाडी हालत ते रहम कर देवांगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आ देखना अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लम दी जाते गिरामी एटे खुलुक ने अजीम दे मालक ने इन्ना का लाला खुलुकिन अजीम मा अंता बिनिमत रब्बिक बिमजनून व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून व इन्ना का लाला खुलुकिन अजीम। अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी जनाब सीरत वगरी कायनात दे अंदर किसे दी सीरत नहीं हजूर दी सूरत वगरी किसे दी सूरत नहीं दी नबी पाक दी अखलाक वगरा किसे दा अखलाक नहीं दा
लेकिन ये दुश्मनी क्यों बन गई है? ये दुश्मनियां पाइया ने देश कुरान ने पाइया ने। अल्लाह अकबर, जिंदे जिंदे मफाद कुरान ने सट मारी है, अज भी जनाब जिंदे खिलाफ कुरान आ जाता वे ओ जनाब अल्लाह अकबर अजीबो गरीब प्रोपोगंडा कर दावे, ए होर तरीके इख्तियार कर लेंदा है। उनकी हकीकत दे अंदर कुरान की मुखालफत है। अल्लाह फरमाते ने दुश्मनियां बन जांदियां ने, लेकिन किस वजह तो बन दियां ने? इस वास्ते कि जेड़ा बंदा मुजरम है, जदों उनके जुर्म दा उनू दसिया जाएगा, उनू सजा दसी जाएगी, फिर वह तड़प दावे, कहिंदा मैं नहीं जुर्म किया, मेरे ते क्यों लगया जा रहा वे, इस वजह तो मैनू क्यों सजा दी जा रही है? अल्लाह फरमाते ने कुरान ने जदों ऐलान किया है ना, ओ कायनात दे लोगो, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमुल खिंजीर, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता, जदों कुरान ने ऐलान किया वे दुश्मनियाँ रब ते रब दे रसूल नाल पईयां किवें ने, वगरना हजूर वगरा तां किसे दा अखलाक नहीं दा, नबी पाक दी सीरत वगरी सीरत नहीं दी, लेकिन तैफ वालिया फिर इन्हां मारिया क्यों वे, खून आलूद क्यों किया वे, कदे सोचिया करना, ऐ कुरान ने दसिया वे। जदों ये कुरान दा ऐलान नबी पाक दी ज़बाने मुबारक दे अंदरों होया वे, हुर्रे अल्लाह फरमांदे ने तुहाडे ते मर्दार हराम कर दिता वे। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब पैगंबर, जम जम जवानियां माने सोनिया, इन्हां कायनात दे लोगों नूं ऐलान करके कह देवो, मक्के वालियां नूं, अरबियां अजमियां आउण वालियां नूं, जाण वालियां नूं ऐलान करके कह देवो, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता, तुहाडे ते मर्दार हराम कर दिता वे, वद्दमा ते तुहाडे ते रगन दे अंदरों खून जिहड़ा निकलदा वे ये भी हराम कर दिता वे, वलहमल खनजीर तुहाडे ते खनजीर भी हराम कर दिता वे, वमा उहिल्ला बिही गैर अल्लाह, ते जेड़ी अल्लाह तो इलावा गैर अल्लाह वाले चीज मनसूब कर दिती जावे वो भी तुहाडे ते हराम है। अगर ये हराम चीज़ां खाओगे तुहाडे खून दे अंदर खराबियां पैदा हो जान दियां, दिलो दिमाग खराब हो जाएगा, तुहाडी जिंदगी दियां आबादतां कीतियां हुईयां जाया हो जाणगियां। तां अल्लाह फरमांदे ने लोगो, जो तुहाडे वास्ते फायदेमंद चीज़ां सन मैं तुहाडे ते हलाल कर दितियां ने, जो तुहाडे नुकसान वालियां चीज़ां सन हराम कर दितियां ने। हराम तो बच जाओ, हलाल खाया करो। अल्लाह अकबर, कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, हलाल तय्यब खाओगे तुहाडा दिलो दिमाग रोशन हो जाएगा, तुहाडियां आबादतां दे अंदर खूबसूरती पैदा हो जाएगी, तुहाडियां आबादतां दे अंदर खुशबूआं पैदा हो जाणगियां। जदों हराम खाएगा तेरी आबादत खराब हो जाएगी, तेरी रूह खराब हो जाएगी, तेरिया आबादतां कीतियां जाया हो जाणगियां, क्योंकि कुरान ने जो ऐलान किया है, आमिलतुन नासिबत नारन हामिया, हलाल ना खाण की वजह तो आमिलतुन नासिबा, ऐसे लोग भी होंगे जेड़े अमल कर करके थके होंगे, लेकिन तसला नारन हामिया वो फिर जहन्नम दे अंदर दाखिल किए जाएंगे। किस वजह तो? फरमाया इस वास्ते हराम तो नहीं बचे, ते जो अमल किया वे या हराम तो नहीं बचे, या जो अमल किया वे ते अपनी मनमर्जी नाल किया वे, अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे दसे हुए तरीके ते अमल नहीं किया, या तीसरी वजह यह होएगी। फरमाया अमल किया वे अल्लाह अकबर दुनिया के दखलावे वास्ते किया वे, रियाकारी वास्ते किया वे, अल्लाह अकबर खालिसतन अल्लाह की रजा वास्ते अमल नहीं किया। ऐ बड़ी गल, अमल तो बंदा कर लैंदा अगर अल्लाह की रजा हो, भी
सब तो जरूरी मसला, सब तो जरूरी बात है, लिल्लाहियत है, इखलास। अल्लाह कुर्बान जामा नबी पाक दे सहाबा दियां अजमतां तो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, सारे कहो रजी अल्लाह ताला, अजे बाप मुसलमान नहीं होया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो दा, ते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नो जदो इस्लाम कबूल कर लिया फिर नबी पाक दे परवाने बन गए ने। किते बलाल नू रुपये दे के आज़ाद करा रहे ने, किते नबी पाक दे इशारे ते सारा माल पै कुर्बान कर दे। ते अब्बे ने एक दिन गल की अबू बकर दे मतलक, अबू बकर सदीक दे वालद ने गल की थी, कहिंदे ने पता नहीं साढ़े मुंडे नू की हो गया वे, मुहम्मद दे पिछे लग गया, चलो कलमा पढ़ी रख लेकर रुपये दा ना ना रोड़। कई बंदे होंदे ने चलो पैसों दे नाल बहुत ही तकलीफ होंदी, पैसे नाल ही सारे काम बनते ने, अल्लाह अकबर पैसे लगते ने। उन्हें कहा कि गल वे क्या जेड़े पैसे दिन रात लाई आना यार, ये तो ना कर, तू कलमा पढ़ लिया, पढ़ मुहम्मद सल्लम दे नाल नमाजा पिया। ए बाप ने गल बेटे नू कीती है, ते ए कुरान दे अंदर गल अब्बे ने दी जमीन ते अपने बेटे नू कीती है, अल्लाह पाक ने अरशे बरी तो जवाब भेजे, सुबहान अल्लाह, गल अब्बे ने कीती। अल्लाह कहता कि जेड़ा मेरी रजा की खातर मर मिटन का इरादा कर लवे, मैं अब्बियां दी कीती हुई गल भी बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह की किया कि ऐ अबू बकर पता नहीं की हो गया वे, मालो दौलत ही लुटाई जा रहा वे, ते कुरान नाजल होया, जबरील आए, ऐ अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी अबू बकर दे अब्बे नू इस गल दा जवाब दे दियो, वसायु जन्नबो हल अतका अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का वमालिया दिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला बतिगा वजहि रब्बिहिल आला। अल्लाह फरमांदे ने ऐ महबूब पैगंबर अबू बकर दा वालद है गल पिया करदा वे, ये क्यों पिया माल लुटाई जांदा वे, इनू दस देवो क्यों पिया लुटांदा वे, इल्ला बतिगा वजही रब्बी हिल आला, ये ता जो कुछ करदा वे अल्लाह कहिंदा मेरे मुँह नू प्या करदा वे। अल्लाह अल्लाह साढ़े भी एवें अमल कबूल फरमाए, ये जदों दिल च आ जावे ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल कर लैंदा। आ तीन चार दिन हो गए ने, आ बच्चे माशाल्लाह नौजवान साढ़े, आ एसियां दा काम होने वाला सी, पैसे तो लगने थे जे तेरी 40-50 हज़ार रुपया भी लगना थी, तो इस तो हट के जी जाती नौजवान मेहनत की, अल्लाह पाक इन्हां दी अपनी रजा वास्ते कबूल फरमाए, उन्होंने उपर चाढ़ना। मैं वेखा पिया कि डरसे ही ना तोड़ बैन, वो एडा वजरी सी उन्होंने कोठे ते चाढ़िया ने, ते नौजवान पसीनो पसीनी हुए सन, अल्लाह पाक इन्हां दी जिंदगियां च बरकत फरमाए, तो इस दे बदले दुनिया और आखरत दीआं कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह की रजा की खातर कर ये भी मेहनत अल्लाह कबूल कर लिया अपने घर की नौकरी, तो मेरा ख्याल है इस तो वड्डी भी सादत और कोई नहीं दी। फरमाया इल्ला बतिगा वजह रब्बिल आला वाला सौफा यरज़ा, अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब पैगंबर अबू बकर दे वालद नू कह दियो, ए अबू बकर जो कुछ कर दावे मैनू पुछ क्यों कर दावे। अल्लाह अकबर, कोई जो भी कर दावे वेखण नू बंदे नू होर तरह कर दावे लग दावे, लेकिन उन्दे अंदर भी होर गल हुंदी है, वेखण नू
मैनू लगता आ मूवी बना रहा वे, लेकिन दिल में इरादा ए वे इतने 500 बंदा वेख रहा वे, तो जदों मैं फेसबुक नैट से चाड़ना वा उदों 2000 बंदा सुनदा वे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दीआं बातां लोगों दीआं कन्नां तक जांदियां ने, ते मेरी रजा अल्लाह दी रजा नूं हासिल करन वास्ते अपनी आकबत वास्ते मैं कर रहा वा। कोई मस्जिद की खिदमत कर दावे, मस्जिद दीआं सफाइयां कर दावे, ते दिल दे अंदर ए होईए अल्लाह सोहणिया तेनू राजी करन वास्ते कर रहा वा। कोई माल खर्च कर रहा वे ते कहिंदा या अल्लाह तेनू राजी करन वास्ते कर रहा वा। अल्लाह फरमांदे ने अबू बकर दे मुतलक, मेरे कोलो पुछो वाला सौफा या रजा वजही रब्बी हिलाला इल्ला बतिगा वजही रब्बी हिलाला। अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर कायनात दे लोगों नूं ऐलान करके कह देवो, अबू बकर जो कुछ करदे ने मेरी रजा दी खातर मेरे मुँह नूं करदे ने, मैनू राजी करन वास्ते करदे ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ते मैं अर्ज़ कर रहा वा अल्लाह दी रज़ा इस कुरान दे नाल, जिन्हां नूं कुरान दी समझ लग जावे, जिन्हां दे दिलां दे अंदर ही खलास हुंदा है ना। युज़िल्लु बिही कसीरं व यहदी बिही कसीरा, इसे कुरान नाल लोग गुमराह हो जांदे ने, इसे कुरान नाल ही लोग हदायत पा जांदे ने। जिन्हां दे दिलां दे अंदर अल्लाह दी रजा होवे, नुवल्ली ही माता वल्ला व नुसली ही जहन्नमा व सात मसीरा। अल्लाह फरमांदे ने जिधर नू कोई अपना रुख कर जावे मैं उधर ही उन्हूं टोर देना वा। कोई अल्लाह दी रजा चाहता है अल्लाह उधर रहनुमाई कर देंदे, कोई टेढ़ा पन है दिलो दिमाग च फिर उखड़ जाता है गुआच जाता है। नुवल्ली मात वल्ला व नुसली जहन्नम व सात मसीरा। ओ मक्के वालियां ते जदों कुरान पहुँचिया है ना, तुहाडे और मेरे महबूब पैगंबर ने कुरान सुनाया वे, उन्होंने जनाब तस्लीम करन दी बजाए अल्लाह अकबर बल्कि अगो डांगा चुक लिया ने। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, वाइजा जुकिर अल्लाह वहदा हुस्माज़द कुलूबुल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरा। अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर, जदों मेरी वहदा नीयत दे तुसी डंगे बजांदे हो ना, इन्हां दे दिल सड़ जांदे ने। वाइज़ा ज़ुकिर अल्लज़ीन मिन दूनी, अगर तुसी मेरे तो इलावा इन्हां दीआं इलावां ते मबूदां दीआं झूठियां तारीफां करोगे, इज़ा हुम यस्तबशिरून फिर बड़े खुश होणगे, फिर बड़े राजी होणगे। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, तुहाडी ड्यूटी ये होवे कायनात दे लोगों नूं मेरी वहदानीयत दा डंका बजाना है, क्योंकि तुहानूं दाईयन इलल्ला बना के भेजिया वे, तुसी मेरे दरवाजे ते लै के आना वे, ते मैं तुहाडियां शानां बुलंद करके विखाणियां ने। तुसी कायनात दे लोगों नूं मेरे वल लै के आओ, मैं तुहाडा मकाम ते मरतबा दसांगा। या अल्लाह मेरा मकाम ते मरतबा किवें दसेंगा? अल्लाह फरमांदे ने मैं इस ला या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम वालम أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون। नबी पाक दा सहाबी नमाज पढ़ रहा वे, उधरों नबी पाक ने आवाज़ मार दिती है। हजूर ने जदों आवाज़ मारी है ना, सहाबी कहिंदा मैं बड़ा कशमकश विच पै गया, हुण अल्लाह दी इबादत कर रहा, नमाज अल्लाह दी है, आवाज़ अल्लाह दे रसूल दी। अल्लाह फरमांदे ने सोने महबूब पैगंबर, तू मेरे कोल इन्हां नूं लै के आना वे, दाईयन इलल्ला तू मेरे दरवाजे ते लै के आ,
जदों मेरे दरवाजे ते आ जाणगे फिर मैं तेरियां शाना बुलंद वेखी किवें करदा। मेरे दरवाजे ते जदों लै आवेंगा ना इबादत करन वास्ते, अल्लाहु अकबर, तुसी अल्लाह दे दरवाजे ते आए बैठे हो ना, अल्लाहु अल्लाह दे दर आ गए, अल्लाह दे घर आ गए, जे मस्जिद दे अंदर आ गए, ये तां अल्लाह दा दरवाजा आ गया है ना। हुण अल्लाह किवें अपने नबी दियां शानां बुलंद करदा है, तुसी आ गए हो मसीते तां पहुँच गए हो, हुण पढ़नी है नमाज, हुण पढ़ना में जुमा, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब पैगंबर, ये जदों तक तरीका तेरे वाला नहीं अपनाएंगे उदों तक कोई नेकी कबूल नहीं करांगा। मैं तेरियां शाना बुलंद करांगा, तेरे तरीके दे मुताबक नमाज पढ़नगे। सोने महबूब पैगंबर, जदों अत्तहियात दे अंदर बह जाणगे पहले तेरे ते दरूद पढ़नगे, कोई नमाज ऐसी नहीं होएगी जिंदे च अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मद। सोनिया तेरे भी तज़करे हुंदे रहणगे, तेरी आल दे भी तज़करे हुंदे रहणगे। अल्लाह सियाबी नमाज पढ़ रहा है, हजूर ने आवाज मारी। सियाबी कहिंदा मैं बड़ा शशो पंज विच पै गया, जिवें असीं अपनी बोली विच कहिंदे आ, नबी पाक दी गल सुन लवां या रकात पूरी कर लवां। कहिंदा मैं काली काली तवज्जो नाल अल्लाहु अकबर जल्दी जल्दी करके रकात पूरी करके मैं दौड़ के नबी पाक कोल चला गया। मैं क्या सदके जावा या रसूल अल्लाह, जम जम जवानियां मानो हजूर, हजूर तुसी आवाज मारी सी, तुसी हुक्म फरमाया सी। सियाबा कोल बैठन वाले कहिंदे ने, नबी पाक मुस्करा के कहिंदे ने, मैं आवाज मारी सी तू नहीं आया सै, उदों तू नहीं आया सै, लेट हो गया। आख्या हजूर हुण हुक्म फरमाओ। फरमाया हुण मैं की हुक्म फरमाना वे, हुण हुक्म देण वाले ने हुक्म दे छड्या वे। हुण उहने कह सुन लै फिर अज तो बाद, या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ादाकुम, ओ ईमान वालो इज़ादाकुम, जदों तुहानू मेरा नबी बुलावे, अल्लाहु अकबर, जल्दी नाल दौड़ के मेरे नबी दी गल पहले सुन लिया करो। अल्लाह ते वालमु, जान लो सूरह अनफाल, इनू घर जाके पढ़ लिया जे, वालमु ए भी गल सुन लो, बद्दे नू देना जाए, बद्दे नू देना जाया जे, एवें दिल दे अंदर विस विस कर दे ना जाया जे, वालमु जान लो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरे व कल्बी, दिल दियां थां गराइयां जो समझिया जे, नबी दी गल सुनना ही अफसल। अल्लाह इबादत तां मेरी है ना, इबादत भी मेरी है ते नबी भी तां मेरा है। नबी वेख्या कर, नजरा गौर करिया कर, इबादत अल्लाह नबी पाक फरमान, जेड़ा बंदा जुमे दे अंदर एक गल कर दावे उंदा जुमा खराब हो जाता है, जेड़ा तिनके तोड़े उंदा जुमा खराब हो गया, जेड़ा तिनके तोड़न वाले नू रोके उंदा जुमा खराब हो गया, उंदा जनाब सवाब जाया हो गया। लेकिन कुर्बान जावा, नबी पाक मिंबर ते खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, नबी पाक दे नवासे अल्लाह अकबर हजरत हसन हुसैन आ गए ने, इंज मजमे दे अंदरों नंगदे आंदे ने, सीधे आ गए नबी पाक कोल बह गए। नबी पाक बल्कि एक जगह ते इंज भी पढ़ लिखिया वे, नबी पाक ने उतर के अपने मिंबर तो थले उतर के नवासियां नू अपने नाल बिठा लिया। अल्लाह हाय हाय, मिसाल दे तौर ते तुहानू मैनू बड़ा अजीब लगेगा, मैनू भी तुहानू मिसाल दे, साडा घोड़ बाल आ जाए, मेरा नवासा आ जाए इत्थे, तुसीं तां मिंटों पहले डांगा कढ लैणियां। वेखा लोगों मसले दसदा फिरदा, अपने बाल मिंबर ते चढ़ी फिरदा।
हाय कुर्बान जावा नबी दियां सहाबा कोलों उन्हां दे अंदर जुरत नहीं होई। अल्लाह अकबर इंज मिंबर ते बिठा लिया वे फिर हजूर नमाज पे पढ़ते ने कुर्बान जावा नमाज दी हालत दे अंदर नवासे उपर बैठे हुए ने एडा लंबा सजदा कीता वे एडा लंबा सजदा कीता वे ये नहीं वेख्या एक लम्मा हो गया वे एक छोटा हो गया। अल्लाह फरमांदे ने ना ना मेरे महबूब पैगंबर ए हसन हुसैन भी मेरे ने क्योंकि तेरे ने इबादत भी मेरी है। इन्हां दे गिरण दा ख्याल करिया जे तुहाडियां इबादतां तां मैं पहले ही कबूल कर लिया जे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक सानू नबी पाक दे सहाबा वाला ईमान नसीब फरमाए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया वाला अल्लाह दा कुरान भी लान कर रहा वे वालमू अल्लाह यहूलु बैनल मरी व कल्बी। अगर जिंदगी चाहते हो सुकून चाहते हो अगर जिंदा जे तुसी इस गल दा ख्याल करिया जे जदों मेरा महबूब पैगंबर आवाज मारे उन्हां दी जाके जल्दी नाल गल सुननी है ते बड़ी ताबेदारी करके गल सुननी है फिल फौर गल सुननी है। अल्लाह अकबर। ता क्या ना जरा मेरा नबी तुहानू देवे ओ फड़ लवो ओ पकड़ लवो जिथों रोके उथों रुक जाओ ये काम तुसी कर लवो। अल्लाह फरमाते ने तुहाड़ी दुनिया और आखरत मैं सवार देवांगा। अल्लाह पाक सानू कुरान और नबी पाक सल्लम दे फरमान ते अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। तो ता फरमाया सी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी वअदुव्वकुम औलिया। अल्लाह दे दुश्मन भी है ने अल्लाह की दुश्मनी बनी है इस कुरान की वजह तो अल्लाह के रसूल की दुश्मनी बनी है कुरान की वजह तो जे कुरान ने जिंदे जिंदे जुर्म के उपर इंज करके जरब लगाई है उन्हें अपने जुर्म वाल नहीं वेख्या बल्कि कुरान की मुखालफत शुरू कर दीती है नबी पाक के फरमान की मुखालफत शुरू कर दीती है। अल्लाह पाक सानू कमा हक हु किताब सुन्नत नू समझ के अल्लाह पाक इन्दे ते अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हमदुल्ला।